चैनल रुचिका मोहंती ब्लॉग एंड ये है मेरा बर्थडे का क्यूट मिनी ब्लॉग। देखा जाए तो कल है मेरा बर्थडे और ब्लॉग तो कल होना चाहिए था, लेकिन आज से ही मैंने थोड़ी बहुत एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है। इस साल ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ बर्थडे के लिए, पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, तो मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट विद यू गाइस। सो अभी मैं क्लबिंग करने जा रही हूँ और ये एक ड्रेस मैंने सिलेक्ट की है अपने लिए। तो यस, थोड़ी बहुत जितनी भी अभी की एक्टिविटी होंगी और कल मॉर्निंग से रात तक की, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेरा ये ब्लॉग छोटा सा। एंड जल्दी से तैयार होते हैं और मैं फिर आपको मिलती हूँ अपने जहाँ पे मैं पार्टी करने जा रही हूँ वहाँ पे। ओके गाइस, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, ये मैंने फुल ड्रेस अपनी पहनी है। अभी आपको मिरर में फुल लुक दिखाती हूँ एंड आई थिंक मैं अच्छी लग रही हूँ। मतलब आजकल मैं बहुत जल्दी और काफ़ी अच्छा तैयार हो जाती हूँ। तो यस, अभी चलते हैं। मैंने यहाँ पे ना अपने बूट्स पहने और ये फुल ड्रेस है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा लुक, ये है मेरा लुक आज का। एंड इसके साथ में मैंने ऐसे ये बूट्स पहने एंड ये ड्रेस के साथ बहुत अच्छे जा रहा था। इसकी फिटिंग मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि काफ़ी बॉडी हगिंग है ये। तो यस, मैंने यहाँ पे अपना ये बैग भी ले लिया है फॉरएवर 21 का एंड इट लुक्स सो क्यूट। इस लाइट में खूबसूरती बहुत अच्छी से आ रही है एंड कोई यहाँ पे रेडी हो रहा है एंड हम जा रहे हैं पार्टी करने। पार्टी हो रही है, पार्टी, यस। अरे अरे अरे, रुको 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 रुको, फोटो कहीं है ना? नहीं है ना? ओके ओके। सो वॉइस ओवर पोर्शन स्टार्टेड हेयर एंड वी वेंट अ प्लेस कॉल्ड वेपोर एंड मैं इसका एनवायरनमेंट आपको क्या बताऊँ। इतना मस्त मज़ा आ रहा था, लाइव म्यूजिक चल रहा था, फूड वाज जस्ट ओके ओके, बट अबाउट द एनवायरनमेंट और जो एटमोसफियर था, जो पार्टी एटमोसफियर था, उसके बारे में तो क्या कहना, 10/10। वी एन्जॉयड अ लॉट। मैं काफ़ी टाइम के बाद इस तरह की क्लबिंग करने के लिए आई थी, इस तरह का एन्जॉय करने के लिए आई थी आफ्टर पास्ट 5 मंथ्स। मतलब ऐसा गुजरा था कि बस क्या बताऊँ, लेकिन ये जो था ये मच नीडेड था। मैं जैसे दोबारा जी रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, एक अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। मेरे हस्बैंड थे साथ में, हम दोनों ही आए थे बस, एंड बहुत अच्छा लगा था। बर्थडे के एक दिन पहले ही हम शाम को चले गए थे, वी डिडेंट प्लान सो मच, लेकिन बस फटाफट तैयार हुए और निकल गए और अच्छा लगा यार जितना भी टाइम मैंने स्पेंड किया। ओके, तो नहा के रेडी हो चुकी हूँ, मैंने बहुत लाइट सा मेकअप किया है। तो पहले ना मैं सोची थी कि जीन्स पहनो करके, लेकिन दिन का टाइम है और कल मैंने अच्छी सी एक ग्लैमरस ड्रेस पहनी हुई थी, आज सोची थोड़ा सादा संस्कारी बन जाते हैं, तो मैंने ये एक फ्लोरल ड्रेस है, मतलब थोड़ा एथनिक और वेस्टर्न का ना कंबाइन है, क्योंकि एथनिक ड्रेस है ये। तो इसमें बहुत सुंदर से ऐसे फ्रिल भी हो रखा है, ऐसा अच्छा सा काम हो रखा है, बहुत प्यारा सा लग रहा है। तो समर वाइब्स तो आ ही चुकी हैं ऑलरेडी, तो ये मुझे बहुत कंफर्टेबल रहेगा पूरे दिन। इसके साथ मैं शूज़ पहन लूँगी, तो इसको पहन के अपना लुक दिखाती हूँ आपको। तो ये मेरा OTT है, बर्थडे OTT डे का। इवनिंग में शायद ड्रेस चेंज करूँ या फिर शायद ये ही रहे, लेट्स सी क्या होता है। पहले तो इसको पहन के आती हूँ। ओके, तो आउटफिट कुछ ऐसा लग रहा है, फुल समर वाइब्स हैं ये, बहुत कंफर्टेबल और इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, प्रिंट काफ़ी खूबसूरत हो रखा है इस पर, यस। तो मुझे लग रहा है आज के दिन ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सिंपल और क्यूट सा लगेगा। एंड इसके साथ ना मैचिंग करके मैं अपने ये फॉरएवर न्यू के इयररिंग्स पहनने वाली हूँ। आई जस्ट लव्ड इट, बहुत प्यारा है इसका काम, मुझे बहुत, मतलब ये ना स्टार और मून एक अलग सा अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही क्यूट सा लगा था, तो ये मैंने बहुत पहले लिया था एंड आई थिंक ये इसके साथ बहुत क्यूट लगेगा। तो ये मैं पहनने वाली हूँ और हाथों में ये अपनी स्मार्ट वॉच एंड गले का देखते हैं क्या करेंगे, कुछ सिंपल ही रखने वाली हूँ इस आउटफिट के साथ, तो सब कुछ एंड अपने स्नीकर्स एंड आई एम ऑल सेट। बैग अभी देखना है कि क्या लूँगी, लेकिन ये बहुत क्यूट लग रहा है मुझे, तो ये इसके साथ पहन के आके पूरा लुक आपके साथ दिखाती हूँ। तो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड ऐसा आ रहा है कुछ फुल लुक भी क्या आपने देख ही लिया था, बस ये इयररिंग्स डाल लिए मैंने मेरे फेवरेट वाले एंड थोड़ी थोड़ी सी तैयारी। मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज़ किया है, यहाँ पे केक वगैरह लेके आ गए, तो यहाँ पे हम अभी केक कटिंग करेंगे। और इसका ना पैकेज मुझे बहुत खूबसूरत लगा, ये देखिए कितना सुंदर है, स्मूथ का है ना? हाँ, स्मूथ। तो
एंड ये बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बुके विद चॉकलेट्स। थैंक यू सो मच। वेलकम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। फर्स्ट साइट ऑफ द केक। ओह वेट वेट वेट, रुको। फर्स्ट लुक ऑफ द केक। ये टाडा, बहुत सुंदर है। इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, व्हाइट एंड रेड। एंड दिस इज ओरियो। एंड हियर इज द सरप्राइज। व्हाट? ओह, हैप्पी बर्थडे ब्लॉगर। ओह माय गॉड, दिस इज रियली क्यूट, वेरी नाइस। एंड या हियर आर सम मोर चॉकलेट पैकेट हर्शीज का, जो कि मुझे काफी पसंद है। थैंक यू सो मच। ब्लूबेरी एंड ACAI। क्या ये ACAI क्या होता है यार? फ्लेवर्ड सेंटर चॉकलेट। ओके, एंड ये भी कुछ है, ये क्या है? जिमी स्कॉटेल। ओके, एंड ये क्या है? इसको दिखाओ सब। ये भी हम देख खाते अपने दर्शकों को। ओ वेरी नाइस, वेरी नाइस। खोलोगे? ओके खोलो। क्या साउंड इफेक्ट दिया मैंने, ओ माय गॉड। कितना मोटा करना चाहते हो आप सुबह मुझे? पर मैं हो जाऊंगी, आई नो कि मैं खा लूंगी इसको। और आपको पता है मुझे मीठा कितना पसंद है, इसलिए मैंने सुबह मीठे की भरमार बारिश कर दी है आज बर्थडे पे मेरे। फुल ऑन कैलोरीज, लेकिन आई लव कैलोरीज। बहुत प्यारा है। अभी आपको मैं ना फुल आउटफिट भी दिखाऊंगी स्लो मोशन में अपना बाहर जाके, एंड इवनिंग में एक और आउटफिट होगा। तो अभी तो कुछ ऐसा है ये, लेकिन ये बहुत प्यारा सा कुर्ता है यार। अच्छा लग रहा है ना मेरा ड्रेस? कैसा लग रहा है सुबह? थोड़ा दिखाओ ना इसको कैमरे में, दिखाओ ना फुल लुक मेरा सबको। आप देख लो ना उसको फ्लिप करके देखो। अच्छा लगा मेरा ड्रेस और स्नीकर्स भी ना उसके साथ मैचिंग है। एंड वॉच, ठीक है? ओके, थैंक यू। अभी केक कटिंग के टाइम पे और करेंगे वीडियो। केक कटिंग करते हो फिर वीडियो, और आगे फिर करते हैं। वो मेरा गिफ्ट ये तुम्हारा सबसे बड़ा गिफ्ट नहीं सुबह, कुछ और भी तो चाहिए। मेरा गिफ्ट तो दो सुबह। ये तुम्हारा सबसे बड़ा गिफ्ट। ये क्या है यार सुबह, कंजूसी। चलो दो गिफ्ट दो, खाली इससे नहीं होगा मेरा कुछ। लाओ गिफ्ट लाओ। वो होता ना, वो ऐसे करती है लड़की, वो हस्बैंड इतना मोटा बंडल नोट का पकड़ा था। एक और वीडियो में एक लड़की ऐसे करती है, उसका हस्बैंड ना देखो देखो ऐसे स्क्वीज कर देता है हाथ को ऐसे। It feels so good when you are, when you are around. You got the smell, got the eyes, you come and falling down. I wonder if I can I stay by your side for life. Take my hand, go with me tonight.
ओके, तो यहाँ पर ना मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि रेडियो चल रहा है ना, मतलब कार में। और लास्ट टाइम ऐसा ही कुछ एक ब्लॉग में ना उन्होंने कॉपीराइट लगा दिया था यार यूट्यूब वालों ने, तो मैं ऐसा नहीं चाहती। तो कमिंग टू द मेन पॉइंट, हम जा रहे हैं अपने घर के लाइन में ही, बिल्कुल घर के पास में ही है एक यूरोपियन थीम रेस्टोरेंट है, स्ट्रीट 1522। एंड मैंने जब से उसको बाहर से ही देखा है ना, मुझे वहाँ पे जाने का बहुत मन था उसको एक्सप्लोर करने का। तो बर्थडे है तो सोचा कि यही बढ़िया मौका है भाई एक्सप्लोर करने के लिए। एंड यहाँ पे एंटर किया हमने एंड इट वाज ह्यूज, मतलब बहुत बड़े एरिया में लेकिन उन्होंने बनाया था। वी डिडंट एक्सपेक्ट डैट कि इतना बड़ा होगा, लाइक अ मिनी सिटी यार, ऊपर नीचे एंड प्रॉपर यूरोपियन थीम दे रखा था इन्होंने। वाइब्स तो बहुत अच्छी आई है, आप इसके अंदर जाओगे ना यू लॉस्ट, मतलब कम्प्लीटली एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है इसके अंदर का। बहुत सुंदर लग रहा था, विंटेज इंग्लिश थीम पे बनाया है, लुक एट दैट हॉर्स, यू नो ये जो भी बनाया है इन्होंने स्कल्पचर, बहुत अच्छा था यार थीम, बहुत अच्छा था। एंड प्रॉपर एक ये जो आप शैंडलियर देखो आप, इतने बढ़िया लग रहा था मुझे उसका एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा लगा था। खाना भी अच्छा था, इट वॉज लिटिल कॉस्टियर लेकिन एक आधे दिन के लिए तो इतना चलता है। सो यस वी गो फॉर लंच एंड बहुत मज़ा आ गया था। तो हम पहले तो यहाँ नीचे बैठे थे लेकिन हमें थोड़ी धूप लगी तो हम स्टेयरकेस से ऊपर चले गए लंच करने के लिए। ऊपर हमने अच्छे से लंच वंच किया एंड नीचे का मैंने वीडियो बनाया था ना वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख ही रहे हो ना कितना बड़ा एरिया लेके बनाया है यार इन्होंने, बहुत अच्छा था। प्रॉपर वो जो इंग्लिश बैल्कनीज नहीं होती हैं जैसे गोवा में भी आपको दिख जाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़े एरिया में था, मतलब बहुत बड़ा बनाया था लिटरली। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो खींचना चाहती थी लेकिन लेट हो रहा था तो हम ऊपर ही चले गए यार खाना खाने के लिए। एंड सबसे पहले तो नहीं, स्टार्टर वगैरह आ चुका था वो लेना भूल गई मैं, लेकिन ये मंगाया था हमने एक पॉम्फ्रेट फिश टिक्का, अच्छा था यार ये भी, बहुत टेस्टी लगा था। उसके बाद मेरे हस्बैंड तो वेजिटेरियन है तो उन्होंने अपने लिए वेजिटेरियन खाना मंगाया था, हम लोगों ने थोड़ा बहुत नॉनवेज मंगा लिया था, हमने प्रॉन करी वगैरह मंगाया था एंड राइस मंगाया था, उतने से ही हो गया था, ज़्यादा खाया नहीं जा रहा था क्योंकि थोड़ी नीचे तक गर्मी लग गई थी। मीन वाइल हम जब सीट्स वगैरह देख रहे ना तब लग गई थी गर्मी। एंड रिफ्रेशमेंट ड्रिंक वगैरह लिया, ड्रिंक्स बहुत अच्छे थे, अच्छा लग रहा था, वी एंजॉयड अ लॉट। बहुत टाइम बाद थोड़ा पीसफुल अच्छे बाहर दिख रहे थे हम, लेकिन पास्ट कुछ महीने ऐसे गए थे ना तो अब ये दिन बहुत अच्छा जाए मेरा, मैं प्रे ही कर रही थी इस चीज़ के लिए एंड अच्छा अच्छा निकल गया थैंकफुली। एंड खाना बहुत अच्छा था, मैंने तो इन्जॉय किया था, मुझे पसंद आया था बहुत ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात है कि मुझे वो रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करना था तो मैं काफ़ी टाइम से थी कि कोई एक अच्छा मौका मिले तो मैं करूँ। रुमाली रोटी मंगाई थी मैंने अपने लिए और बाकी सबने राइस मंगाया था, मुझे रोटी के साथ अच्छी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो वहाँ से हम लंच करके निकल गए थे और बहुत धूप हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था बाहर देख के लिटरली कि गर्मियों की धूप आ गई है, बहुत अजीब सा लग रहा था और बहुत ज़्यादा ना डिहाइड्रेट फील हो रहा था। जबकि हम लोग घर के पास वाले रेस्टोरेंट ही गए थे, ज़्यादा दूर तो हम घूमे फिरे भी नहीं। पहले तो प्लान था कि बाहर जाएंगे एमजी रोड, थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, घूमेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, लो हो गई सबकी एनर्जी, सबको हेडेक हो गया। तो हम लोग घर पर आ गए और हमने ना अच्छा सा नैप ले लिया और मैंने जो सुबह का मेकअप थोपा है ना वही है, मतलब मैंने मुँह भी नहीं धोया, कुछ आउटफिट और दूसरा भी नहीं लिया, वही आउटफिट है मेरा। एंड घर पे दूध नहीं है तो सोच रहे कि चाय के लिए अब दूध वगैरह लेके आएंगे। बाहर मुझे कुछ काम था एक्चुअली, आज एक और बुरी चीज़ हुई है, मतलब आप मेरा गिफ्ट का ही पार्ट समझ लो, मेरे कैमरे का जो लेंस कैप होता है वो खो गया, कवर जो होता है, तो मैं सोचूं कि उसका एक देखूं कुछ नया मिल जाए तो रिप्लेसमेंट, कैसे खो गया आई डोंट नो यार, कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है बर्थडे वाले दिन मेरा। लेकिन यस वो हो गया, यस इवनिंग हो गया अच्छा खासा, शाम पूरी ढली नहीं है लेकिन हो गई है, 6 बजने वाले हैं, तो मैं निकलती हूँ इनके साथ और मैं बाहर चाय पी के आ जाऊँगी और घर के लिए दूध ले आऊँगी एंड थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अब मुझे नहीं लगता हम रात को भी बाहर खाने जाएंगे, घर पर ही शायद कुछ मंगा ले या बना ले, ऐसे ही सिंपल सा ही रहता है मेरा बर्थडे हमेशा, और कुछ ऐसा खास होता नहीं है। तो देखती हूँ आगे कहाँ जाती हूँ, ठीक है? अगर मंदिर गई ना दोबारा तो आपको दिखाऊँगी मंदिर अगर गई तो। हम यहाँ पे टी पीने आए, छोटा सा कैफे, तो यहाँ हम चाय वाय पियेंगे, थोड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है क्योंकि
बोलते हैं बाहर जाके मैगी क्या खा रहे हो, लेकिन ये मैगी की मैं फैन हो गई हूँ। ये था मैगी तड़का और बहुत टेस्टी था यार। सबका लेमन ग्रास की और मेरा इलायची टी। ओके गाइस, फाइनली फिर से प्लान चेंज। तो सडनली सबका मूड किया कि चलो बाहर ही खा के आ जाते हैं। एंड क्योंकि रात ज़्यादा हो गई है ना और एनर्जी तो इतनी बची नहीं है, तो मैंने कैजुअली पहन लिया बहुत अपनी ये टी शर्ट, क्या बोलते हैं इसको, स्वेट शर्ट और ये जीन्स। तो बाहर कैफ़े में थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खा के आ जाएंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर माई बर्थडे। तो वहाँ पे क्या खाते पीते वो शेयर करती हूँ। एंड फिर देखते हैं कि वीडियो कितना लंबा जाता है, उसके हिसाब से हम दूसरा वीडियो रखेंगे बर्थडे गिफ्ट्स का। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे ना तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल रुचिका मोहंती ब्लॉग। बर्थडे ना करने आए हम लोग कैफे में, पहले भी आ चुके हैं। दो पेट ये दादा में होगा ना, ठीक है। ये भी ना एक इंग्लिश थीम वाला कैफ़े ही है, यहाँ मैं बहुत बार आ चुकी हूँ और इसका खाना बहुत टेस्टी लगता है। ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट वाला प्लेटर है, यही हमने मंगा लिया था। हल्का फुल्का और वैरायटी का मिश्रण रहता है। एक हमने इंडियन फूड मंगाया था, मतलब मटर पनीर और पराठे, ये भी बहुत टेस्टी था, अच्छा था ओवरऑल। सुबह ब्लॉग स्टार्ट हुआ इसलिए आज बर्थडे का एंड कर रहे हैं हम इस ब्लॉग का, बर्थडे ब्लॉग का। क्या स्पेशल करेंगे? स्पेशल क्या करेंगे, अब रात को क्या स्पेशल हो सकता है, अब तो हम सो जाएंगे, खा पी लिए, ठीक है ना। कैसा गया दिन आज का हमारा? तो तुम्हें बताना चाहिए कि हवा तो दिया। आपको ये क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा नहीं ना, इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे, बताओ। हाउ वाज योर डे, डिड यू एंजॉय योर डे? यस, वेरी मच फन। हाउ मच? वेरी मच फन। तो बस ऐसे ही था हमारा दिन, ऐसा भी हुआ लेकिन ओवरऑल आई एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू फॉर दी केक, थैंक यू फॉर दी फ्लावर्स, थैंक यू फॉर दी चॉकलेट्स एंड एडवांस थैंक यू फॉर माय गिफ्ट जो अभी मुझे मिला नहीं है। लंच में क्या हो रहा है? देखो कवर हो रहा है, ये कवर हो रहा है। यस सॉरी, अब ठीक है, अपने अभी तक नहीं दिया मुझे, ठीक है, थैंक यू। ओके गाइस, तो ये था मेरा मिनी ब्लॉग, बर्थडे ब्लॉग जो अभी एंड करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड नेक्स्ट पार्ट आएगा बर्थडे ब्लॉग का ही, जिसमें बर्थडे गिफ्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जितने भी है मेरे जो भी मिलेगा मुझे। एंड स्टे ट्यून, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।